वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू क्या मेरा वॉइस आप लोगों तक पूरा आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से मुझे रिप्लाई देंगे वेरी क्विक रिप्लाई यस चलिए बेटा पढ़ रहे थे सी एम ए इंटर पेपर नंबर आठ के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे थे पेपर नंबर आठ के बारे में और अभी तक जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कॉस्टिंग क्या होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एक बार क्विकली रिवीजन दे देता हूं ताकि जो भी स्टूडेंट आज आए हैं और पहली क्लास ले रहे हैं उनको भी प्रॉपर मैच हो जाए और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में कॉस्ट के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं कॉस्ट के बारे में अब बात आती है वॉट डू यू मीन बाय कॉस्ट अगर मैं कॉस्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जब करनी होती है तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे हम लोगों को क्या करना होता है बहुत सारे रिसोर्सेस की नीड होती है इकोनॉमिक वैल्यू उन रिसोर्सेस की इकोनॉमिक वैल्यू के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को फॉर गुड्स और सर्विसेस वी नीड सो द टोटल ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस का टोटल नहीं जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है मनी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है लैंड लेबर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो लैंड के लिए अपन रिटर्न में कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे लेबर के लिए देंगे एंटरप्रेन्योर को कुछ ना कुछ देंगे कैपिटल को कुछ ना कुछ देंगे और माइनिंग कर रहे हो तो अर्थ को भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना तो उनकी टोटल उनकी वैल्यू का टोटल जो अमाउंट दिया जा रहा है उसके टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट बोलते हैं पहली चीज सभी को क्लियर जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा टेक्निकल है चला भी गया अब बात करते हैं किसकी कॉस्टिंग की कि आखिर ये कॉस्टिंग क्या होती है तो सुनिएगा किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है मेटेरियल की आपने आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मैटेरियल के बारे में पढ़ा है कि मेटेरियल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक फिर लेते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं परचेस उसमें से लेस कर देते हैं परचेस रिटर्न को लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को तब मेरे पास वैल्यू आती है रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड की यू ही निकालते रॉ की वैल्यू कि मेटेरियल मैंने इस साल कितने का कंज्यूम किया मैं अगर मेटेरियल के तो हो गया अब किसकी बात करेंगे लेबर के बारे में बात करेंगे तो लेबर को आपने कितना अमाउंट कैश में पे किया कितना इसका आउटस्टैंडिंग रह गया या किसी पर्सन को कितना अमाउंट पहले से ही आपने क्या कर दिया प्रीपेड के अंदर पे कर दिया तो इधर से लेबर की वैल्यू कैलकुलेट आएगी फिर कुछ एक्सपेंसेस और लगते हैं अब एक्सपेंसेस के लिए भी ये है कि कितना अमाउंट आपने पे कर दिया कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना आपने एडवांस में पे कर दिया मतलब मेटेरियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेटेरियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ऐसे ही लेबर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे ऐसे ही एक्सपेंसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट होते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूंगा किसके बारे में ऑयल ऑयल रिफाइनरी पहले क्रूड ऑयल होता है पहले क्या होता है क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल को पहले रिफाइन करोगे रिफाइन करने के बाद वो पेट्रोल डीजल कैरोसिन नॉर्मल ऑयल में कन्वर्ट होता है मतलब पहले क्रूड ऑयल लाओगे फिर रिफाइनिंग करोगे रिफाइनिंग के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो पूरी प्रोसेस है ना इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाने के लिए तो क्रूड ऑयल अपनी कॉस्ट अलग से बताएगा रिफाइनिंग वाला अपनी कॉस्ट अलग से बताएगा और पेट्रोल डीजल ऑयल वाला अपनी कॉस्ट अलग से बताएगा तो इसकी टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कॉस्टिंग की एक टेक्निक पढ़नी पड़ती है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं क्या होता बोल रहा हूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सम प्रोडक्ट वी नीड टू गो At different different departments, that is known as process costing. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट का कैलकुलेशन करना होता है प्रोसेस कॉस्टिंग अब एक चीज समझना मेटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए अलग टेक्निक लेबर को निकालने के लिए अलग टेक्निक एक्सपेंसेस को निकालने के लिए अलग टेक्निक ये तो सिंगल प्रोडक्ट जो हाथ हाथ बन के रेडी हो जाते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होती है प्रोसेस होती है उसकी टोटल का कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं ना मैं यहां पे कॉस्टिंग का मतलब क्या है अब समझना Different methods and techniques for calculation of cost. Just a second, wait, Kana. जो आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करने में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या लगती हैं, टेक्निक्स लगती हैं। किसका कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्टिंग बोलते हैं कॉस्ट का मतलब जो जो प्रोडक्ट लग रहे हैं जो जो एफर्ट्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू को कॉस्ट बोलते हैं उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसे क्या बोलते हैं कॉस्टिंग। हाँ या ना, जल्दी से बता दो मुझे सारे बच्चे पहले तो सभी को यहां तक क्लियर जो न्यू स्टूडेंट हैं जो ओल्ड हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये दोनों मतलब क्लियर हो गए क्या कॉस्ट cost और कॉस्टिंग के यस और नो सारे बच्चे मुझे एक बार रिप्लाई दे देंगे वेरी गुड चले आगे प्रस्थान करें दो पॉइंट बता दिए तीसरा पॉइंट क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग बताओ कॉस्टिंग को प्रेजेंट करना वे ऑफ प्रेजेंटिंग वे ऑफ प्रेजेंट कॉस्टिंग या मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग को प्रेजेंट करना है ना तो उसके जो वे होते हैं वो किसके अंदर लिखे हुए होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लिखे हुए होते, होते हैं एक होती है कॉस्ट अकाउंटेंसी ये क्या होती है भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी थी इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे क्या जो ग्रेजुएशन करके आए जो ट्वेल्थ पास करके आए उन्होंने पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट बीकॉम कॉम सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्वेल्थ पास करके आए उनके था कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थ्री एलेवेंथ में पढ़ा था डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टेन पढ़ा था क्या आए थे ना तो ये बताते क्या थे आपको कि उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स कैसे हैं रेगुलेशंस कैसे हैं ठीक है ऐसे ही जो कॉस्टिंग है ना कॉस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कॉस्टिंग वो किसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ने को मिलते हैं बात क्लियर अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट की आखिर ये सब्जेक्ट मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं क्या रीजन है बताओ आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते क्यों हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो बता सकते हो क्या चलो मैं बताता हूं सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है नंबर ए ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा ना नंबर वे ऑब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है तो क्या करनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी डेटर्मिनेशन ऑफ अगर आपको सेल प्राइस का कैलकुलेशन करना है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एस्टीमेशन करना है किसका प्रॉफिट का तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से डिसीजन लेना है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी आपने प्रोडक्ट बनाया आपने अपना बजट डिसाइड किया कि यह प्रोडक्ट कितने में बन जाएगा सौ रुपए में बन जाएगा इसको मत सोचो सोचो इसको आपके घर का कंस्ट्रक्शन होने वाला है स्टार्ट, ठीक है? है आपने बोला मेरा बजट दस लाख आपका बजट कितना है? दस लाख काम अगर दस लाख रुपए में पूरा हो गया कब तक पूरा हो गया दस लाख रुपए में तक पूरा काम अगर हो जाता है मतलब आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया ना तो जितना आपका बजट था उस बजट के अंदर रहकर के आपने क्या किया काम किया जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो गई कंट्रोल लेकिन बजट बनाने के लिए पहले आपने पूरे कैलकुलेशन किए होंगे ना कि सॉइल इतने की आएगी आयरन इतने का आएगा घर में कलर इतने का होगा घर में दरवाजे इतने रुपए के लगेंगे पूरी कॉस्ट का कैलकुलेशन किया होगा ना उसके बाद ही तो कॉस्ट कंट्रोल किया होगा ना और कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता तो है कॉस्टिंग तो कॉस्ट कंट्रोल भी करना है तो क्या पढ़नी पड़ेगी कॉस्टिंग तो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कॉस्ट को क्या करना कंट्रोल करना एक बात बताओ दस लाख का आपने बजट बनाया था कितने का बजट बनाया था दस का थोड़ा ज्यादा बना लेते क्या जा रहा था अच्छा मकान बन जाता बट नेक्स्ट ईयर आपने वापस से अपने घर का दूसरे घर का कंस्ट्रक्शन करवाया अब आपको पहले से ही आइडिया है कि मकान कितने में बन सकता है दस लाख आप क्या चाहोगे क्या चाहोगे सोचो और बताओ कि पहले मकान कितने में बन गया था दस लाख में और आपको पता था आपने किस पर्सन को कितना ज्यादा पेमेंट दे दिया था गलती से अब आप क्या करोगे उसको पेमेंट कम दोगे पेमेंट कम दोगे मतलब काम दस लाख से कम में करना चाहोगे या दस लाख से ज्यादा लगाओगे नॉर्मल सी बात है दस लाख से बचाना चाहोगे तो सेम काम करवाना है और दस लाख से पैसा कम लगाना चाहते हो मतलब कॉस्ट को क्या करना चाहते हो रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा अकाउंटिंग ही पढ़ना पड़ेगा तो कॉस्ट का रिडक्शन अल्टीमेट सबसे बड़ा ये पॉइंट दिख रहा है और अल्टीमेट हर ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करने का मेन रीजन होता है कॉस्ट का रिडक्शन सीएमए कर रहे हो सारे के सारे तो एक चीज ध्यान रखो आपको कोई भी कंपनी अगर एज अ सीएमए अपॉइंट कर रही है ना तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना एक बात बताओ सभी को कार्स पसंद है बहुत सारा कि हम बड़े होंगे कार लेंगे बड़े तो हो गए हो तुम लोग ठीक है कार लेनी है तुम लोगों को अब कार तुम्हें लेनी है इसकी मत सोचना कार बनाने वाली कंपनी की सोचना किसी भी कंपनी के कार जब बनती है तो क्या पूरी कार वो खुद बनाती है या कुछ प्रोडक्ट बाहर से परचेज करके लेके आती है बाहर से लाती है कार के अंदर एक बात बताओ म्यूजिक सिस्टम लगता है सोनी का लगा हुआ मिलता है या फिर अगर कुछ हाई क्लास कार है तो बॉस का भी मिल जाता है बीएमडब्ल्यू वगैरह तो बॉस का मिल जाता है जब कंपनी बीएमडब्ल्यू वाला बॉस से जाके स्पीकर परचेस करके लेकर के आएगा तो बॉस वाले को वो प्रॉफिट देकर के आएगा या नहीं देकर के, दे के बीएमडब्ल्यू ये नहीं सोच सकता क्या मैं जो बॉस वाले को पैसा दे रहा हूँ उससे बेटर है मैं खुद के ही क्या बना लू स्पीकर बना लू और उस कार के अंदर लगा दू वो केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब उसकी बाइंग कॉस्ट जो बॉस वाले से परचेस करके स्पीकर आ रहा है और जो खुद बना रहा है तो खुद की कॉस्ट क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए अगर खुद की कॉस्ट ज्यादा हो गई तो तो वो बोलेगा ना इससे अच्छा तो मैं किससे परचेस कर लेता बॉस से परचेस कर लेता तो आप दोनों को कंपेयर करोगे ना कि प्रोडक्ट को बनाऊं या फिर प्रोडक्ट को खरीद करके लेकर के आऊं करोगे ना वो कहां पे पॉसिबल है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही पॉसिबल है मतलब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव से ही पॉसिबल है बात आई समझ में कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना क्यों जरूरी है नॉर्मल अकाउंटिंग की बजाय हाँ या ना रिप्लाई दे दो मेरी प्यारी जनता ऑनलाइन वाली जल्दी से जल्दी से सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई देंगे कि बातें सारी क्लियर हैं हा या ना केवल चार पांच छह चलो ठीक है चलू आगे तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कुछ बच्चे बोलेंगे सर पता ही नहीं क्या क्या है कुछ नहीं है पढ़ना तो पड़ेगा आज हम लोग चल रहे हैं कहां पे आओ तुम्हें कॉस्टिंग की दुनिया क्या सफर करवाते हैं तो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है टाइप ऑफ कॉस्ट की कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है तो कॉस्ट को मैंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है तो सबसे पहली जो कैटेगरी है कॉस्ट की उसके अंदर ए नंबर पे आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट कॉस्ट ए पे लिखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बी पे आप लिखेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट सी पे आप लिखेंगे रेलिवेंट एंड इेलिवेंट कॉस्ट डी पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट और भी कोई कॉस्ट होती है क्या बता सकते हैं मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट है मैं उन्हीं की बात में आज से कर रहा हूं सो एनीवन वांट टू ट्राई कि और क्या क्या है प्राइस so आप बता सकते हैं मुझे Yes, try it and tell me. Opportunity cost क्या बात है बेटा opportunity cost is the part of relevant cost. तो उसको अलग से नहीं लिख रहे हैं Sunk cost और sunk cost की आप बात कर रहे हैं it is also part of relevant and irrelevant cost. Okay. E और लिख लो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ओके अभी फाउंडेशन के कुछ बच्चों के एग्जाम हुए थे उसमें कॉस्टिंग का पेपर हुआ उसमें बच्चों से पूछा गया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना तो इसका दूसरा नाम होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट ओके बेटा मुझे पता है कुछ कॉस्ट और भी हैं कौन-कौन सी है संकॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट तो उसके अंदर अपन इसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे हम लोग तो आज सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में चलिए अब पहले बात करते हैं किसके बारे में उसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है चलो भाई एग्जाम्पल दूंगा अच्छा वाला देख रहे होगा क्या है मोबाइल फोन है हाँ हालांकि टूटा हुआ है लेकिन है तो मोबाइल फोन ठीक है इस मोबाइल फोन की मुझे क्या करनी है मैन्युफैक्चरिंग करनी है ढंग से समझ लेना इस मोबाइल फोन की क्या करनी है मैन्युफैक्चरिंग करनी है देख लो भाई बिकाऊ नहीं है ना कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन बोल रहे सर इसको फेंक के दिखाओ नीचे ऐसा कुछ नहीं करना हमें आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो मेरे को एक बात बताओ अगर मुझे कोई भी मोबाइल फोन बनाना है तो मोबाइल फोन को बनाने में क्या क्या चीजें काम में आएंगी क्या मुझे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी क्या मुझे इसकी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी होगी और मेरे को मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी मतलब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी मैटेरियल की तो मैटेरियल मेरे को ये ये चाहिए ठीक है अब एक बात बताओ खुद थोड़ी बनाऊंगा लेबर को बुलाऊंगा किसको बुलाऊंगा लेबर को लेबर को यहां पे इंजीनियर बोल दू क्या स्पेलिंग गलत है मुझे है इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी मतलब जो भी पर्सन आएगा जो भी लेबर आएगा वो मेरे से कितने रुपए लेगा वेजेस लेगा इसके साथ कोई हेल्पर भी आएगा क्या अकेला तो बना नहीं सकता इसके लिए मेरे को किसकी जरूरत है हेल्पर की जरूरत है अच्छा ये अपने हाथों से थोड़ी बनाएगा ये साथ में क्या लेकर के आएगा टूल्स लेकर के मतलब मटेरियल आ गया लेबर आ गया टूल्स के लिए आपने क्या बोल दिया इसको मैंने कौन सी कैटेगरी के अंदर डाल दिया एक्सपेंसेस की अच्छा मोबाइल फोन कोई सा भी लू प्रोडक्ट की डिजाइन नहीं बनवाऊंगा क्या मैंने बाहर से एक आर्किटेक्चर से क्या बनवाई है इस प्रोडक्ट की डिजाइन बनवाई है भाई मोबाइल फोन बनाऊंगा तो डिज़ाइन के लिए आर्किटेक्चर से ही है तो डिज़ाइन भी किसके अंदर आ गए एक्सपेंसेस के अंदर आ गए ये ये चीजें चाहिए तो बेटा तुम लोगों को दिख, तो लोगो दिख रही है कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही जब इस प्लास्टिक की बॉडी के अंदर स्क्रीन को फिट किया जाता है तो गम की रिक्वायरमेंट होती है क्या तुमने मुझे गम बताया इस मदरबोर्ड को जब प्लास्टिक से कनेक्ट किया जाता है तो नट्स की स्क्रू की रिक्वायरमेंट होती है क्या तुम लोगों ने मुझे बताया हाँ या ना टूल्स का मतलब है वो प्लास उसको बोलते मैं की बात कर रहा हूं स्क्रू ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ टूल्स बट स्क्रू इज नॉट ऑफ टूल्स चलिए सुनो बात समझ में आ रही है भाई मोबाइल फोन बनाना है तो एक मोबाइल फोन में सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है प्लास्टिक इजीली पता लगा लोगे कितनी प्लास्टिक लगेगी इजीली पता लगा लोगे एक फोन को बनाने में एक स्क्रीन चाहिए इजीली पता लगाओगे एक मदरबोर्ड में केवल एक मदरबोर्ड उसके अंदर चिप्स कितनी लगेगी आपको पता है क्या आपको ये पता है उसके अंदर गम कितना लगेगा गम एक एक मोबाइल फोन जितना गम लेकर क्या होगे या पूरा पैकेट एक साथ लेकर क्या होगे पूरा पैकेट एक साथ स्क्रू चार स्क्रू दे दो कोई देता है क्या चार स्क्रू हंड्रेड ग्राम टू हंड्रेड ग्राम इसके भी आप स्क्रू वगैरह हार्डवेयर की शॉप भी पे मिलते हैं है। चलो ठीक है लेबर को बोला कितने रुपए लेगा प्रोडक्ट को बनाने के बोला मैं दो हजार रुपए लूंगा ठीक है मैं खुरपाती इंसान हूं मैंने बोला तू तो दो हजार ले लेगा लेकिन ये बता तेरे हेल्पर को तू कितने रुपए देगा तू तेरे हेल्पर को कितने रुपए देगा क्या बोलता है तेरे को फोन से मतलब है या मेरे हेल्पर से मतलब है बोलेगा क्या ऐसा पर्सन साहब बोलेगा कि हेल्पर मैं कोई भी लेकर के आऊ तुझे उससे क्या लेना देना लेकिन मैंने जिद की मैंने क्या की जिद की यार प्लीज बता दो ये कर दो, वो कर दो दो वो उसने बताया कि मैं इसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देता मैं इसको क्या करता हूं पर मंथ के दस हजार रुपए दे देता हूँ ठीक है खुश हो गया मैं मेरे को बता दिया आखिर लेकिन हुआ क्या फिर वापस मैंने मेरा खुरपाती दिमाग लगाया मैंने बोला मुझे एक बात बताओ पूरे के पूरे एक महीने में आप कितने फोन बताते हो मस्ती मत करना जरूर बता देना बोला मैं एक महीने के अंदर 500 फोन बनाता हूं कितने फोन बनाता हूं 500 हेल्पर को एक महीने का कितने देता हूं दस हजार मतलब हेल्पर कितने फोन बनाने के लिए साथ में जाता है 500 फोन तो पर फोन के वो कितने रुपए लेता है भाई साहब पर फोन का देता नहीं है ये तो मैंने कैलकुलेट किया है ना क्या इजीली तुम्हें पता लगा नहीं लगा ना इसके लिए तुमने क्या किया बहुत सारा परिश्रम किया बहुत सारी मेहनत की तब जाके पता लगा कि एक हेल्पर को कितने रुपए मिलते हैं दो सौ पर फोन ये खर्चा होने से पहले पता लगा या खर्चा होने के बाद पता लगा खर्चा होने के बाद मंथ के एंड में पता लग रहा है गम एक फोन में कितनी गम लगेगी तुम बता सकते हो क्या नहीं बता सकते मैं एक गम की बोतल लेके आया गम आई दो सौ रुपए की मैंने जो मेरा लेबर चली गई ना मैंने कहा तू तो गम गम ले जा मेरे गम किस काम की है एक गम की बोतल कितने की आई थी दो सौ रुपए की मंथ में कितने फोन बनाता ये पूरे मंथ गम की बोतल चल गई फिर जाके खत्म हुई है वो तो एक फोन के अंदर कितने रुपए की गम लग रही है अप्रोक्सीमेट फोर्टी पैसा अप्रोक्सीमेट फोर्टी पैसा मैं जब मोबाइल फोन बनवा रहा था तो मैंने बोला प्लास्टिक कितने की लेके बोला प्लास्टिक तू तो दो हजार रुपए की लिया हाथ बता दी थी मदरबोर्ड दस हजार तो के बोले मैं तेरे से चार हजार रुपये बनाने के लूंगा कितने रुपए बनाने के लूंगा चार हजार बनाने के लिए ये तो फोन बनाने से पहले ही बता दिए क्या इसने मेरे को गम बताया कितने का आएगा इसने बोला एक काम कर तू तो बोतल लिया और लेकिन फोन पूरे महीने के बनने के बाद मेरे को पता लगा कि एक फोन के अंदर कितने रुपए की गम लगती है 40 पैसा की कितने की मिलते हैं क्या इसने बताया था कितने लगते हैं हेल्पर को मिलते कितने दो सौ रुपए इजिली पता लगा क्या आपको नहीं ना आपको क्या करना रखा परिश्रम करना रखा एग्जाम्पल समझ में आया हाँ या ना बताया अच्छा एग्जाम्पल नहीं था लेकिन मेरे को ये बताओ समझ में आया है नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूं वो तो अब बताऊंगा लेकिन पहले मुझे ये सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी बताएंगे एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या जल्दी बोलो यस और नो फास्ट रिप्लाई ठीक है चलो ये एग्जाम्पल और लूंगा पहले उसके बाद बात करूंगा मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें चलिए सुनिए मेरे को मेरे घर पे क्या बनवाना है बैड बनवाना है मैं गया कारपेंटर के पास कारपेंटर कारपेंटर मुझे क्या बनवाना है बैड बनवाना है बोला ठीक है एक काम कर तू दस हजार रुपए की क्या आएगी वुड आएगी ला करके दे जा मैंने कहा ठीक है लेके आऊंगा इसने बोला सनमाइका का आएगी का बोलते हैं सन का वो तीन हजार रुपए की आएगी ला करके दे दे ताकि तेरा एक पलंग में बना दूंगा ठीक है कौन सी डिजाइन का बोला जो डिजाइन तेरे को बनवानी हो डिजाइन तेरे को अलग से बनवानी है तो डिजाइन के कितने रुपए दे करके जाएगा एक हजार रुपए लेकर के दे करके जाने पड़ेंगे मैंने कहा ठीक है दे दूंगा मैंने कहा बनाने के कितने रुपए लोगे बोला बनाने के मैं तेरे से लेबर लूंगा पांच मैंने कहा ठीक है भाई हो गया मेरा काम अब भाई साहब मैंने एक चीज और बोल दी अपनी कारखाने में मत बनाना ये धोखा मेरे साथ पहले भी हो चुका है लकड़ी का बोर्ड बना रहा हूं कार्ड बोर्ड का बना कर दे लकड़ी का पलंग बनवा रहा हूं वो किसका दे देता है प्लाई का बना करके दे देता है नॉर्मल वो टूट जाता है मैंने बोला मेरे घर पे आकर के बनाना मैंने कहा ठीक है कारपेंटर ने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा आके घर पे आकर के बना दूंगा तो हुआ ऐसा कि ये मेरे घर पर आया मैंने इसको लकड़ी ला करके दे दी मैंने सनमाई का ला करके दे दी डिजाइन मैंने बनवा ली पांच हजार लेबर के बनवा दिए सबसे पहले ये अकेला नहीं आया अपने साथ कितने लोगों को लेकर के आया दो लोगों को मैंने इसको बोला भाई तू दो लोगों को लेके आया है तूने बोला था मैं पांच हजार लूंगा अब मत बोला हम तीन आए पंद्रह हजार लूंगा बोल सकता है क्या ये नहीं तो इसने बोला साहब ऐसा कुछ नहीं है ये मेरे दोनों क्या है हेल्पर है फिर मैंने मेरा खुरपाती दिमाग फिर चालू किया मैंने बोला साहब इनको कितने कितने देते हो सही सी बताओ बोला एक को देता हूं पर मंथ के दस हजार रुपए एक को पर मंथ के कितने रुपए देता हूं दस हजार रुपए देता हूं मैंने बोला पूरे महीने में कितने पलंग बनवा लेते हो बोला अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली दो सौ पलंग बनवा लेता हूं कितने पलंग बनवा लेता हूं दो सौ पलंग मतलब दो हेल्पर जा रहे हैं दो हेल्पर को कितने रुपए दे रहा है 20000 और 20000 पलंग बनवा करके ये कितने बेड बनवा लेता है 200 20000 तो पर पर्सन को पर बेड को ये कितने रुपए हेल्पर के दे देता है 100 रुपए दे, दे देता है एक बात बताओ एक बात बताओ कार पेंटर के 5000 तो उसने एक बार में ही बता दिए थे हाथो हाथ लेबर के ये बता पाया क्या नहीं ये पलंग के बनने के बाद पता लगे या पलंग के बनने से पहले पता लगे बनने के बाद भाई पूरा महीना पहले मैं काम करवाऊ उसके बाद इसने दो सौ पलंग मेरे को बना करके दिए तब मेरे को पता लगा ना हेल्पर के कितने रुपए लग रहे हैं सौ रुपए लग रहे हैं एक पलंग के ऊपर पलंग के बनने के बाद पलंग के बनने से पहले बनने के बाद और ग्रुप के अकॉर्डिंग पता लगा एक पलंग का नहीं पता लगा पूरे के पूरे दो सौ पलंग बनने के बाद मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग पता लगवाया ठीक है भाई साहब पलंग बनवाने बैठे बोला बेवकूफ इंसान इधर आ मेरे को बोलता है बेवकूफ इधर आ मैंने कहा भाई बोल बेवकूफ क्यों बोला फेवी कौन लेके आएगा मैं पहले बता देता लेके आना था मैं लकड़ी पागल थोड़ी हुई लकड़ी लेकर के आया तेरे को बताना चाहिए था ठीक है अब जाके लेके आ कितना लेके आऊ उसको भी चक्कर मेरे को भी चक्कर बोला एक बाल्टी लेकर के आ जा मैंने कहा एक पलंग में बाल्टी लगेगी क्या तो बोलता है भाई साहब सबसे छोटा डब्बा जो आपको मिले लेकर के आ जाओ मैंने कहा फिर भी अगर वो कम पड़ गया तो बोला मिड वाला डब्बा लेकर के आ जाओ मैं ज्यादा बच गया तो मतलब मेरे को फेविकोल का अंदाजा नहीं है कितना लगेगा एक पलंग में मैं मार्केट में गया मैंने एक 800 रुपए वाला डब्बा लिया और ला के दे दिया मैंने बोला देख भाई मेरे को जरूर बता देना कि एक पलंग में कितने रुपए का फेविकोल लग रहा है बोला हाँ मैं पक्का बता दूंगा एक पलंग बन गया मैंने पूछा कितने रुपए लगे फेविकोल के बोला तेरे को दो चार दिन रुक जा बता दूंगा मैं अपने आप वो चार दिन के बाद आया बोला एक तो तेरा पलंग बनवाया बनाया था मैंने उसके अलावा मैंने चार पलंग और बना दिए इस डब्बे से आठ सौ रुपए के डब्बे से कितने पलंग बने चार तो एक पलंग के अंदर कितने रुपए का फेविकॉल लग गया दो सौ रुपए का लग गया ना मतलब एक चीज सोचो कुछ एक्सपेंसिस तो उसने चुटकियों में बता दी है लकड़ी इतने की लगेगी सनमाई का इतने की लगेगी लेबर के इतने लगेंगे डिजाइन के इतने लगेंगे क्या उसने आपको यह बताया फेविकॉल दो सौ रुपए का लगेगा नहीं ना काम होने के बाद आपने खुद ने पता लगाया ना दो सौ रुपए का लगेगा हेल्पर की सैलरी काम होने के बाद पता लगी थी ना या पहले लग गई थी काम होने के बाद पता लगी थी तो जिस चीज का सिंगल यूनिट आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट की सिंगल यूनिट की कॉस्ट अगर आपको ऑन द स्पॉट पता लग रही है ना वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट और किसी चीज की कॉस्ट अगर आपको ग्रुप में पता लग रही है ना उसे क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट बात आई समझ में एक बात बताना सुनो हमें पता है हमें अगर प्रोडक्ट बनवाना है तो प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है मटेरियल लगता है प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है लेबर लगती है प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगते हैं एक्सपेंसेस लगते हैं या तो ये डायरेक्ट होंगे या फिर ये इनडायरेक्ट होंगे चाहे मैंने मोबाइल फोन बनवाया चाहे मैंने पलंग बनवाया तो सबसे पहले मुझे किस चीज की कॉस्ट पता थी लकड़ी की कॉस्ट पता थी ना इजीली पता लग गई थी क्या लकड़ी की कॉस्ट तो फर्नीचर वाले के लिए वुड क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट फर्नीचर वाले को कारपेंटर को दिया गया अमाउंट क्या होता है क्योंकि ये तो हाथवाद पता होता है ना एक पलंग का एक पलंग की डिजाइन की जो कॉस्ट थी वो भी आपको हाथ पता है लेकिन पलंग के ऊपर लगने वाला फेविकॉल काम खत्म होने के बाद आपको पता लगा हेल्पर को दी गई सैलरी आपको बाद में पता लगी अगर मैं उसकी फैक्ट्री पे बनवाता मेरे घर पे डिलीवर करने आता मैंने बोला उस डिलीवरी के चार्जेस कितने हैं बोला तेरे को इसी के अंदर इंक्लूडेड है लेकिन मेरे को बाइवर्फिकेशन ज्यादा चाहिए ना कि कितने रुपए किस किस कैटेगरी के है, मेरे को पता होने चाहिए बोला एक पर्सन हमने अपॉइंट कर रखा है वो डेली का एक राउंड लगाता है जो उसके हमसे वो कितने रुपए लेता है हजार रुपए और डेली वो चार पलंग छोड़ करके आता है क्या करता है चार पलंग वो डेली छोड़ करके आता है तो कितनी कॉस्ट हो गई ढाई सौ रुपए पलंग की कॉस्ट हो गई ना पलंग के बनने के पहले पता थे या पलंग के बनने के बाद पता लगे बनने के बाद अब किसी किसी दिन 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 दो बा... दो बने तो 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 उस कॉस्ट कॉस्ट कितनी कितनी हो हो जाएगी 500 किसी दिन बन तो हो जाएगी बन गए तो बनने के पहले पता लगे या बनने के बाद बनने के बाद पता लगे तो एक्सपेंसिस के अंदर डिजाइन हो गया और यहाँ पे लोडिंग चार्जेस लिख दूंगा लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो प्रोडक्ट को बनने में हमें मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है Expenses की जो अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी में 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 बटे हुए होते हैं कौन कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब तुम्हारे माइंड एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको डिवाइड कैसे किया जाए इसका पता कैसे लगाया जाए जिस चीज का सिंगल यूनिट तुम्हें पता हो वो तो होते हैं डायरेक्ट और जो चीज ग्रुप के अंदर पता हो वो क्या होते हैं इनडायरेक्ट जो प्रोडक्ट के बनने से पहले हो वो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट के बनने के बाद आपको पता लगे वो क्या होते हैं इनडायरेक्ट आगे क्या बात समझ में हाँ या ना मेरे प्यारे ऑनलाइन बच्चों जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दो बता दो न चलो लिखवा देता हूं लिखो टेबल बना लो एक लिखना है साथ में देखो दो तरीके के होते हैं पहला कौन सा होता है डायरेक्ट दूसरा होता है इनडायरेक्ट इधर समझना पहले फर्स्ट यूनिट सिंगल यूनिट आइडेंटिफाई होते हैं और ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन सेकंड इसका डिवीजन क्या होता है पॉसिबल होता है डिवीज़न, नॉट पॉसिबल और बोलो इसका पता बिफोर प्रोडक्शन चल जाता है और इसका पता आफ्टर प्रोडक्शन चलता है इसके एग्जाम्पल के अंदर लिख लेना अगर मैं फर्नीचर बनवा रहा हूं सामने देखना पहले एक बार अगर मैं फर्नीचर बनवा रहा हूं तो डायरेक्ट मेटीरियल में क्या आ गया ये हो गया डायरेक्ट मेटीरियल कारपेंटर को दिया गया अमाउंट ये हो गई डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट की क्या बनवाई डिजाइन बनवा ली तो वो क्या हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस फेविकॉल की बात कर लो ये हो गया इनडायरेक्ट मेटेरियल हेल्पर का दिया गया अमाउंट इनडायरेक्ट लेबर को दिया गया अमाउंट ठीक है और अगर इसने रेंट पे किया तो क्या केवल एक मेरा पलंग बनाने के लिए रेंट दिया था या बहुत सारे पलंग बनाने के लिए बहुत सारों के लिए ग्रुप के अकॉर्डिंग तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट कर लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पूरा का पूरा ब्योरीफिकेशन चले आगे एक चार्ट बनवा रहा हूं चार्ट को पहले समझिएगा सभी ने लिख लिया देखिए जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट को हम लोग दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट को हम लोग दो कैटेगरी के, के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहले होती है डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले कौन सी कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी होती है एक होती है डायरेक्ट मेटेरियल एक होती है डायरेक्ट लेबर एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सभी के टोटल को इन तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं इन तीनों के टोटल को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट तो आपको पूरे के पूरे आपके इंटर के अंदर फाइनल के अंदर कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखना है डायरेक्ट कॉस्ट की जगह पे इसको क्या बोल सकते हो प्राइम कॉस्ट क्या बोल सकते हो प्राइम कॉस्ट क्लियर अब चलते हैं किधर यहां पे इधर आपकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट ये भी तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक आपका आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट अ सेकेंड एक होता है आपका इंडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है आपकी इनडायरेक्ट लेबर एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है इन तीनों के टोटल को क्या बोलते हैं पता है बता सकते हो ओवरहेड्स oh, इन तीनों के टोटल के बारे में जब मैं बात करूं आपसे तो इन तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं ठीक है क्लियर तो हम लोगों को पूरे के पूरे अपने इंटर के अंदर कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपके चार से छह चैप्टर यहां पे आ गए क्या सबसे पहले टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग से चैप्टर है डायरेक्ट लेबर के लिए अलग से चैप्टर है कितने चैप्टर हो गए तीन ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करने के लिए पूरा अलग से एक चैप्टर है कितने हो गए चार चैप्टर ठीक है ओवरहेड्स को मैंने अलग-अलग तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ओवरहेड्स को भी कितनी कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तीन अलग-अलग कैटेगरी -अलग के अंदर सबसे पहले कैटेगरी के अंदर आते हैं फैक्ट्री ओवर क्या आते हैं फैक्ट्री ओवर दूसरे आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और लास्ट के अंदर आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट अ सेकेंड इसके अंदर आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं overheads. Overheads के अंदर कौन कौन से आते हैं फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको एक चीज और बताता हूं फैक्ट्री के ओवर एड्स है ना उसके अंदर तीन कैटेगरी आती है किस किस की इनडायरेक्ट मेटीरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस ऑफिस के भी इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस आते ही आते हैं जिनकी डिटेल मैं आपको दूंगा कल की क्लास में आप मुझे केवल एक रिप्लाई दे देंगे दे 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 ऑफलाइन और सारे ऑनलाइन बंधुओं क्या आज की क्लास आपके समझ में आई हाँ या ना या कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से मेरे को जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी रिप्लाई देंगे दे दे एंड यू ऑल ऑफलाइन Yes, online, but still.